गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में जाना। क्या होते हैं नेचुरल डिजास्टर? प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बहुत ज्यादा बारिश आ जाए तो फ्लड आ जाती है। देखो इस पिक्चर में दिखा रखा है कि फ्लड आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, पानी से सारी जगह ढक गई, मकानों में भी पानी घुस गया, पेड़ गिर रहे हैं, तो ये है फ्लड। और इस पिक्चर में देखो हाउस गिरा हुआ है और पानी नहीं है, तो ये अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से ये घर गिर गया है। तो ये दोनों ही क्या हैं? नेचुरल डिजास्टर हैं। इसी तरह का एक नेचुरल डिजास्टर होता है सुनामी। जैसे ये धरती के ज़मीन के नीचे भूकंप आए तो अर्थक्वेक, और जब पानी के नीचे भूकंप आता है तो सुनामी आती है। सुनामी में क्या होता है? समुद्र का पानी रहने उछल के आ जाता है, बाढ़ भी साथ में आ जाती है और भूकंप भी। समुद्र का पानी उछल के रहने वाले क्षेत्रों में आ जाता है क्योंकि पानी के नीचे भूकंप आया होता है। तो एक ये एक स्टोरी है, अलर्ट रैबिट। अलर्ट माना सावधान, रैबिट खरगोश, इसकी कहानी है। जिस कहानी को हम पढ़ेंगे तो सभी अपनी फिंगर लगा के पढ़ें। इन अ विलेज कॉल्ड बान टले नॉक ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है। वहाँ पे वहाँ के एक गांव में, बान तले नॉक में, देयर वॉज अ लेजी रैबिट। एक आलसी रैबिट था, खरगोश था। वन डे रैबिट वॉज स्लीपिंग साउंडली। एक बार रैबिट बहुत चैन की नींद, बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। अंटिल हिज स्लीपी ईयर्स हर्ड न्यूज ऑन द रेडियो। जब उसके सोए हुए कानों ने एक रेडियो पे न्यूज सुनी, खबर सुनी, दिस इज द फर्स्ट वार्निंग सिस्टम टेस्ट ऑफ सुनामी इन थाईलैंड। थाईलैंड में सुनामी की पहली जो वार्निंग है उसका टेस्ट चल रहा है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू योर एक्टिविटीज एज यूजुअल। अपने काम जैसे करते हो प्राय वैसे ही करते रहो। सिंस ही वॉज सो ड्राउजी रैबिट हर्ड ओनली लास्ट पार्ट ऑफ द मैसेज। क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में था, ड्राउजी था, नींद वाला था, तो इस वजह से उसने सिर्फ मैसेज का आखिरी पार्ट सुना। सुनामी इन थाईलैंड, थाईलैंड में सुनामी आने वाली है। उसने ये नहीं सुना कि ये सिर्फ ये टेस्ट हो रहा है। रैबिट गॉट फ्राइटेंड, वो डर गया। रैबिट शाउटेड लाउडली, जोर से चिल्लाया, ओ गॉड अ सुनामी इज कमिंग। एक सुनामी आने वाली है। सुनामी क्या है? समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो उसे सुनामी कहते हैं, जिसकी वजह से पानी आ जाती है, पानी रहायशी रहने वाले इलाकों में आ जाता है। रन रन फॉर योर लाइफ, अपनी जिंदगी बचानी है तो भागो। ऑल द एनिमल्स गॉट फ्राइटेंड, सभी एनिमल्स डर गए, फ्राइटेंड माना डर गए, एंड स्टार्टेड रनिंग, और भागना शुरू कर दिया। बटरफ्लाईज सडनली रियलाइज दैट शी हैड नॉट गैदर्ड हर वैल्यूबल थिंग्स। बटरफ्लाईज ने को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जो कीमती चीजें हैं वो इकट्ठी नहीं की हैं। एकदम से भागना हुआ ना। रैट्स रैन फॉर देयर लाइफ फर्स्ट। रैट्स अपनी जिंदगी बचाने के लिए सबसे पहले भागे। बेबी गोट क्राइड फॉर हिज पेरेंट्स। बेबी गोट्स, बकरियों के बच्चे अपनी मम्मी के लिए चिल्लाने लगे, माँ माँ। मदर फ्रॉग सडनली रियलाइज दैट हर चिल्ड्रन वर नॉट विद हर। मदर जो फ्रॉग है, मेंढक है, उसने रियलाइज किया कि उसके बच्चे उसके पास नहीं है, एंड शी मस्ट गो टू फाइंड देम, और उसे उन्हें ढूंढने जाना होगा। लिटिल काउ क्राइड, छोटी सी गाय बोली, माई ग्रैंड पेरेंट्स डोंट वॉन्ट टू रन अवे। मेरे जो दादा दादी हैं वो दूर नहीं भागना चाहते। वट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? ऑल द एनिमल्स वर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, सभी एनिमल्स भय की स्थिति में थे। तो ये है कहानी की शुरुआत, आज हम इतनी पढ़ेंगे। तो किसकी वार्निंग थी बताओ? सुनामी की। कौन सी कंट्री में? थाईलैंड में।
किसने वो वार्निंग सुनी? एक रैबिट ने। तो कहाँ पे सुनी उसने वो वार्निंग? वो रेडियो पे टेस्ट कर रहे थे कि हमारी जो रेडियो पे पहली बार उन्होंने वार्निंग सिस्टम चलाया होगा उसको टेस्ट कर रहे कि सब तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो इस तरह था, ठीक है। तो सभी एनिमल्स भाग रहे हैं, इसको 2-3 बार पढ़ो।